Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to write Hindi in MS Access. MS Access में Hindi कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में वीडियो मैं बना रहा हूँ और एक वीडियो और मैं बनाऊँगा आगे जिसमें आप जब ज़रूरत हो तो हिंदी भी लिख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े आपको तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इस तरह की एक वीडियो भी मैं इसके बाद बनाऊँगा। तो पहले ये वीडियो हम देख लेते हैं कि MS Access पर हम हिंदी कैसे लिख सकते हैं। ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए ओपन करते हैं। सबसे पहले जाइए MS Access को ओपन कीजिए। मेरे पास 2007 वर्जन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ब्लैंक डेटाबेस चूज कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, होम पे जाना है और यहाँ से आप चेंज कर लीजिए डेटा। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। हमें सारे हेडिंग जो है हिंदी में लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर कृतिदेव फॉन्ट का हिंदी फॉन्ट चूज कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ID आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा। यहां हम लिखेंगे छात्र का नाम। ठीक है, ये दिखने में जरूर अटपटा लग रहा है आपको, लेकिन ये लिखा हुआ है छात्र का नाम। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा, सॉरी, यहां मैं छात्र का नाम नहीं लिखना है, छात्र का रोल नंबर लिखना है या फिर सिर्फ रोल नंबर। तो हम यहां रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर, ये लिख दिया हमने रोल नंबर। अब नीचे आएंगे तो यहां पे लिखेंगे छात्र का नाम, तो यहां लिखता हूं मैं छात्र का नाम, ये लिख दिया हमने छात्र का नाम। अब इसको हम रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पे पता, तो लिखता हूं मैं पता, तो यहां लिखेंगे हम छात्र का नाम, तो लिखते हैं छात्र का नाम। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पता लिखा हुआ है, इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पता लिख देते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे पता। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं, पता, तो यहाँ हमने पता लिख दिया है। अब ये देखिए आप हेडिंग कैसे, आप देख सकते हैं छात्र का रोल नंबर है, नाम है और पता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने लिया था ऑटो नंबर, तो यहाँ हमें नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें छात्र का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए छात्र का नाम लिखना है रमेश। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने रमेश। अब साइड में आते हैं, यहाँ पे पता लिखते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। और फिर यहाँ पर अब सेकंड सूरज और पता एड्रेस डाल देते हैं देवरिया, देवरिया। ठीक है, यहाँ पे रिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगला जो डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं हम बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, अब अगर आपको फिर अब इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, और यहाँ से जो भी इंग्लिश का फॉन्ट है आपको चूज कर लेना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे एरियल ब्लैक मैंने ये चूज कर लिया। अब जैसे ही आप ये चूज करेंगे तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें आपको सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा विजुअल बेसिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको इसके लिए मैक्रो बनाना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं बनाऊँगा अगले बार। फिलहाल ये वीडियो हिंदी राइटिंग के लिए है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम हिंदी में भी बहुत ही आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा, मैक्रो बनाना पड़ेगा और वहां से हम इंग्लिश भी टाइप कर पाएंगे। वो वीडियो मैं इसके बाद बनाऊँगा। देखिए जैसे अब यहाँ पर लिखना है राम कुमार शर्मा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया राम कुमार शर्मा, देख सकते हैं आप, ये रहने वाले हैं गोरखपुर के।
यहाँ लिखते हैं गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लिख दिया गया है। तो आप भी इसी प्रकार से एक्सेस में हिंदी में टाइप कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है, कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है, आप भी कर सकते हैं। सो अगर कोई दिक्कत होती हो तो हमें कमेंट में बताइए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको बखूबी कि किस प्रकार से आप जब ज़रूरत हो हिंदी टाइप करिए, जब ज़रूरत हो इंग्लिश टाइप कीजिए, ऐसी भी व्यवस्था MS Access में हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।